अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल अरिथमेटिक। हमने स्टार्ट किया हुआ था, इसकी हमने स्टार्ट की हुई है रिव्यू एक्सरसाइज। लास्ट टाइम हमने रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया था। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले आप देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5 की अगर स्टेटमेंट की तरफ आए तो आपके पास गिवन है अ पर्सन हैज़ अर्न रुपीज 80 लाख इन अ ईयर। मैं साथ साथ इसकी जो जो चीज़ें गिवन है वो लिखती जा रही हूँ। उसके जो टोटल अमाउंट है प्राइस की एनुअल इनकम जो है वो है 80 लाख। एनुअल इनकम जो मेरे पास है वो है 80 लाख। उसके अब आगे स्टेटमेंट पढ़ें तो आपके पास क्या है, आपके पास है द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इज ₹1,50,000। मतलब अगर आपके पास कोई जानने वाला सोर्स है, उसके पास कोई सोर्स गिवन है जिसने उसका जो टैक्स है वो 1,50,000 कम करवा दिया। एंड ज़कात डिडक्टेड ₹2,00,000। ज़कात हम लिख लेते हैं, और ज़कात कितनी है, ज़कात की प्राइस है ₹2,00,000, और उसके अलावा टैक्स भी डिडक्ट हुआ है तो वो हम लिख लेते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स वो हमारे पास कितना है ₹1,50,000। ओके, अब आपके पास उन्होंने कहा है कि टैक्स रेट जो हमारे पास गिवन है वो है 30%। कैलकुलेट हिज इनकम टैक्स फॉर द ईयर, और आगे इन्होंने लिखा हुआ है यूज़ टैक्सेबल इनकम स्लैब्स। मतलब कि आपने जो लास्ट एक्सरसाइजेस की थी 4.8, उसमें मैंने आपसे कहा था कि आपके पास ये एक टेबल गिवन है, इस टेबल में से आपने देखना है कि आपकी एनुअल इनकम कहाँ पर आ रही है, किसके मिड में आ रही है, और उसके मुताबिक टैक्स रेट मेरे पास क्या बनता है। तो सबसे पहले तो आप देखें कि उन्होंने ये कहा है कि अगर तो एनुअल इनकम इतनी है और ज़कात के पैसे उसमें से निकाल दिए जाए एनुअल इनकम में से, तो जो इनकम बचेगी उसका टैक्स रेट हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं पहले क्या करूँगी, एनुअल इनकम में से ज़कात की जो प्राइस है वो माइनस कर दूँगी, तो फिर मेरे पास जो बनेगा उसका हमने टेबल में से चेक करना है कि उसका टैक्स रेट क्या बन रहा है। एनुअल इनकम आफ्टर ज़कात, ज़कात की प्राइस निकालने के बाद देखते हैं कि एनुअल इनकम क्या बन रही है। 80 लाख माइनस 2 लाख, तो आपके पास क्या आ जाएगी ₹78,00,000। ठीक है, आपके पास जो प्राइस आई है वो आई है 78 लाख। अब आप इसे टेबल पर अगर आप चेक करें तो 78 लाख जो है वो है आपके पास, इधर देखें लास्ट आपके पास लिखा हुआ है सीरियल नंबर 11 में आपके पास 70 लाख 1 से ऑनवर्ड जितनी भी आपके पास इनकम बनती है उसकी प्राइस लिखी है, उसका टैक्स लिखा है, तो वो हमारे पास लिखा है 1,14,25,000 प्लस 30% उसका टैक्स रेट है। तो अब आपने क्या करना है, इनकम टैक्स फाइंड करना है, तो वो फाइंड कर लें। इनकम टैक्स इक्वल्स टू क्या मैंने बोला था 14,25,000 प्लस 30% है, तो परसेंट को ख़त्म करूँगी तो क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 100। किसका टैक्स रेट फाइंड कर रही हूँ, ये जो ज़कात के पैसे निकालने के बाद एनुअल इनकम बनी है उसका, तो वो है 78 लाख। ये 2 ज़ीरोज़ इस 2 ज़ीरो से कैंसिल, आपके पास ये एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 30 को मल्टीप्लाई कर दें 78,000 के साथ, तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो है 23,40,000। और अगर आप इनको
इस वैल्यू को और इस वैल्यू को ऐड कर दें तो आपके पास इसका जो टैक्स का रेट बनेगा वो है 37,65,000 लेकिन हमने क्या करना था, अभी उन्होंने कहा है कि अगर उसके पास कोई सोर्स गिवन है तो उसकी जो इतनी वैल्यू है एनुअल टैक्स की, जो इनकम टैक्स है, उसमें से वो कैंसिल हो जाएगी। तो आप देखें क्या हम यहाँ पे लिखेंगे, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मैंने लिख दिया था कि 1,50,000। तो अगर मैं इस टैक्स में से ये निकाल देती हूँ तो मेरे पास रिमेनिंग टैक्स कितना बचता है, रिमेनिंग टैक्स देख लेते हैं कितना बन रहा है। ये आया था 37,65,000 माइनस 1,50,000। अगर मैं इसे माइनस करती हूँ तो मेरे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 36,15,000 रुपीज़, 36,15,000। ठीक है, वो सोर्स के पैसे जो निकालने के बाद आपके पास फाइनल आंसर जो बना है इन रुपीज़ वो ये है। ये हमारे पास हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब आ जाएं आप इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 के स्टेटमेंट आपके पास गिवन है, अमार इशूड हिज लाइफ फॉर रुपीज़ हैं आपके पास 10 लाख एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। अब ये इंश्योरेंस वाले क्वेश्चंस आ गए हैं जो कि आपने किए थे, तो ये बिल्कुल वैसे ही है। फाइंड द अमाउंट ऑफ एनुअल प्रीमियम ही हैज़ टू पे, मतलब उसका एनुअल प्रीमियम हमने फाइंड करना है कि उसने कितना पे किया, और उसकी लाइफ की जो इंश्योरेंस थी वो थी, पॉलिसी अमाउंट वो थी 10 लाख। तो 6 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आप। सबसे पहले तो आपके पास क्या चीज़ गिवन है, पॉलिसी अमाउंट गिवन है। वो है रुपीज़ 10 लाख। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने कहा हुआ है एनुअल प्रीमियम है आपका 5% पर ईयर, और इधर इसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं है। तो आपने जो एनुअल प्रीमियम है 5% का वो फाइंड आउट करना है। तो अब मैं लिखती हूँ एनुअल प्रीमियम वो कितना है, 5%। और 5% का मतलब क्या है, 5% हमने किसका फाइंड करना है, 5% ऑफ पॉलिसी अमाउंट। तो पॉलिसी अमाउंट हमारे पास कितनी है, 10 लाख। ओके, तो 5% की जगह पे क्या आ जाएगा, 5/100 मल्टीप्लाई बाय 10 लाख। ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो से कैंसिल, आपके पास आ गई है 5 and 7 में 50,000। ओके, रुपीज़ 50,000 इन रुपीज़ में बात हो रही है, तो रुपीज़ हैं ये। और ये है आपके पास इसका सिंपल क्वेश्चन, जिसमें हमने कोई फर्स्ट प्रीमियम, सेकंड प्रीमियम, थर्ड प्रीमियम नहीं करना था क्योंकि हमारे पास टाइम गिवन नहीं था। जब आपके पास टाइम गिवन होता है तब हम वो फर्स्ट प्रीमियम एंड सेकंड प्रीमियम वाला काम करते हैं। तो इस तरह आज हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो है क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अगर आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको इसका सॉल्यूशन या जो भी प्रॉब्लम है आपको, जिसमें भी मसला हो रहा है वो मैं बता दूँगी।